कहते हैं सूप बोली तो बोली चलनी भी बोली। कुछ वैसा ही इस वक्त हाल दिख रहा है यूक्रेन का, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया है, और वो भी यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार, कि भारत के लोग कम अकल वाले हैं। आखिर अचानक से यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार क्यों भड़क उठे हैं? हमने चंद्रयान भेजा है, उन्होंने कहा हाँ जी चंद्रयान भेजा है, फिर भी भारत के लोग कम अकल हैं। जानेंगे यूक्रेन का गुस्सा भारत पर क्यों फूट रहा है, और जहाँ एक तरफ ये गुस्सा फूट रहा है तो वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत ने नया ऐलान कर दिया है, हम बना रहे हैं नए रूट को और नए काम शुरू कर रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया था कि एक इकोनॉमिक फोरम चल रहा है और ये व्लादिवोस्तोक शहर में चल रहा है। व्लादिवोस्तोक शहर में पुतिन ने दुनिया के सामने इस बात को कहा भी कि भारत जिस रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता बहुत बढ़िया वाला रास्ता है, और इस रास्ते से भारत को बहुत ज्यादा कामयाबी मिलेगी। और इनके साथ ही साथ हमने आपको पहले भी बताया है, व्लादिवोस्तोक वो जगह है जहां भारत छोड़ किसी पर भरोसा जल्दी नहीं करता है रूस, और इस जगह के लिए अब आगे बढ़ चुका है, दो चार कदम भारत और रूस दोनों ही बढ़ चुके हैं। G20 के बाद ना बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। स्क्रीन पर आपको एक आर्टिकल दिख रहा है, रूस BTB बैंक को लॉन्च करने जा रहा है क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांसफर करने के लिए। जो लोग रूस में हैं वो भारत में पैसे भेजना चाहते हैं, और भारत के लोग अगर रूस में पैसे भेजना चाहते हैं तो इसके लिए इन्होंने एक खास तौर पर BTB बैंक को लॉन्च करने की सिस्टम बनाई है, जिसके तहत करीब 20 मिलियन रूबल 1% कमीशन के साथ आराम से भेजा जा सकता है और लिया जा सकता है। खैर, चूंकि रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, स्विफ्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में रूस इस तरीके के बैंकिंग सिस्टम को बना रहा है जिससे दोनों देशों के बीच में लेन देन आराम से होता रहे। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी बड़ी चीज थी नॉर्दर्न सी रूट, और यहाँ मैंने पहले भी बताया है कि जहाँ पुतिन ने ये कहा कि ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है इससे हमें भी फायदा होगा, हमने इस प्लान को पहले ही बनाया था, लेकिन अचानक से हम इस प्लान पर आगे नहीं बढ़ पाए और अमेरिका ने इसे अंतिम समय में अपना बना लिया। खैर, लेकिन इस रूट से हमें फायदा होगा, ये बात उन्होंने भी कहा। अब हुआ क्या है कि इनका कहना है कि जो ईस्टर्न मेरीटाइम कॉरिडोर है व्लादिवोस्तोक और चेन्नई के बीच, इसे हम बहुत तेजी से शुरू करेंगे, और यहाँ पर हम कोयला, तेल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये हम आराम से इस इलाके से हम बेचेंगे। ये जो देख रहे हैं आप EMC कॉरिडोर होगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। हाल ही में इसी चीज के लिए मीटिंग भी चल रही थी, और जल्द ही रूस से प्रतिनिधि मंडल भी आने वाले हैं, वो हमारे यहाँ दौरा करेंगे। पर इन सब के बीच में इन्होंने कुछ ऐलान किए। इस वक्त वहाँ जो हो रहा है इकोनॉमिक फोरम, उसके लिए हमारी तरफ से गए हैं केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, और रूस के मंत्री हैं AO चुकुनको। इनके बीच चर्चा चली, और इन चर्चा के बाद जो ऐलान हुआ, उस ऐलान में कहा गया कि दोनों पक्ष व्लादिवोस्तोक से चेन्नई कनेक्टिविटी करने के लिए सहमत हो गए हैं, और इसके लिए जो ट्रेनिंग वगैरह है वो देने पर विचार चल रहा है। भारतीय नाविकों को रूसी समुद्री प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग दिया जाएगा। दरअसल ये जो इलाका है बाकी के इलाकों से एकदम अलग है, आप देख सकते हैं यहाँ बर्फ है, बर्फ को तोड़कर आगे निकलना पड़ता है, तो इस इलाके के लिए एक अलग ही लेवल की ट्रेनिंग है, और जिस ट्रेनिंग के लिए रूस ने बात भी आगे कह दी है। कुल मिलाकर साधारण भाषा में कहें तो ऐसा दिख रहा है दोनों देशों के बीच बहुत अच्छा लगाव और बहुत अच्छे तरीके से चीजें बढ़ रही हैं। यानी भारत ने कहीं ना कहीं पश्चिम और रूस के बीच बैलेंस करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब यहाँ ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से बिगड़े हुए बोल निकल कर सामने आए।
दरअसल G20 को लेकर ना बहुत नाराज है यूक्रेन। क्यों नाराज है? क्योंकि G20 में यूक्रेन अपनी बात कहना चाहता था और भारत का कहना था कि भैया ये एक इकोनॉमिक फोरम है और इस इकोनॉमिक फोरम में आकर ये सब करने की कोशिश ना करो। उस वक्त तो इन्होंने अपने जो मिनिस्टर को भेजा था उस मिनिस्टर ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत विश्वगुरु है और चने की झाड़ में चढ़ा दिया था। और अभी ये लोग कह रहे हैं कि भारत मूर्ख है, और सिर्फ भारत ही नहीं ये चाइना को भी बोल रहे हैं कि वो भी मूर्ख है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? G20 में क्या करना चाहते थे जेलेंस्की? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है G20 में ना पत्ता साफ नहीं हुआ यूक्रेन का। यूक्रेन का पत्ता पूरे जियोपॉलिटिक्स से साफ हो गया। कैसे? इस बड़े इवेंट में यूक्रेन को लेकर चर्चा बंद हो गया। 500 दिन से ज़्यादा हो गए तुम्हारे युद्ध को, एक यही बचा हुआ है जिस पर डिस्कशन होगा। दुनिया में और भी संकट है, अगर तुम दोनों में से कोई भी इसे हल करने के लिए तैयार नहीं हो, शांति समझौते को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, तुम दोनों समझो। अब हुआ क्या है, इस एक जगह पे अगर डिस्कशन नहीं हुआ ना, तो अब आप देखेंगे दुनिया के मंच से धीरे धीरे इस युद्ध का डिस्कशन खत्म हो जाएगा। और यूक्रेन इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। यूक्रेन की बौखलाहट इसी वजह से है। हालांकि पहले भी यूक्रेन ने कुछ इसी तरीके का किया था, जब ये जो तस्वीर थी माँ काली की तस्वीर, उसे इस तरीके से उनके मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था। और लास्ट में जब भारत की तरफ से विरोध हुआ था, तो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया कि हम माफ़ी मांगते हैं, हम तो आर्ट दिखला रहे थे, कला अपनी दिखला रहे थे। खैर, अब जो इनके मंत्री हैं, दरअसल NSA हैं, अब जो इनके राष्ट्रपति के सलाहकार हैं, उन्होंने टिप्पणी दी है। माइखाइलो पोडोल्क, ये नाम है इनका, और इनका कहना है कि भारत और चीन के पास कमज़ोर बुद्धि वाले लोग हैं, अपने काम के नतीजों का विश्लेषण नहीं करते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे उन्होंने चंद्रयान 3 का भी जिक्र कर डाला। उन्होंने कहा, हाँ वो विज्ञान में निवेश करते हैं, ये सच है कि भारत ने अभी एक चंद्र रोवर लॉन्च किया है, अब चंद्रमा की सतह पर ट्रैकिंग कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये देश पूरी तरीके से समझता है आधुनिक दुनिया क्या है। आपको बता दें, कहा यह भी जाता है कि हाल फिलहाल में भारत के छात्रों को भी धमकाया जा रहा है, देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। भारतीय छात्रों को यूक्रेन की यूनिवर्सिटी में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ये बात तो एकदम से समझ में आ रही है, हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है क्योंकि G20 में भारत ने यूक्रेन शब्द का जिक्र नहीं होने दिया। और आपको बता दें, आगे भी इस तरीके के विरोध देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूक्रेन की मंशा सफल नहीं हो पाई है। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।